दोस्तों, और चैनल फात फोन नेट जे आर एफ। तो चलिए दोस्तों, ट्रिविया टेस्ट सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। और आज नेक्स्ट टॉपिक वलन एंड भ्रंशन से संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। उससे पहले दोस्तों, पाथ फाइंडर के सभी कोर्सेज पे आपको अभी 60% की भारी छूट दी जा रही है, जो स्टार्ट है 22 मार्च से 5 अप्रैल तक। इस ऑफर में दोस्तों, जिसका सपना रिसर्चर बनना है अर्थात जेआरएफ करना है ज्योग्राफी सब्जेक्ट से, उसके लिए कोर्सेज हैं एनटीए नेट जेआरएफ के। इसमें 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ पेपर 1 प्लस पेपर 2 की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस आपको दी जाएगी। साथ में पेपर 1 के नोट्स पीडीएफ के रूप में होंगे और पेपर 2 के नोट्स तथा ज्योग्राफी के नोट्स प्रिंटर A4 बुकलेट में होंगे। होम डिलीवरी भी दोस्तों अवेलेबल है। इसके साथ ही आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, जिसमें फुल टेस्ट एंड टॉपिक वाइज टेस्ट होंगी। साथ ही में आपको प्री क्वेश्चन सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसकी शुल्क है मात्र 4100 रुपये। इसके साथ ही दोस्तों, विद्यास्थली बैच आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और स्कूल व्याख्याता के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट से, इस कोर्स में आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ ज्योग्राफी की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। ज्योग्राफी के नोट्स प्रिंटेड A4 बुकलेट में होंगे। साथ में टेस्ट सीरीज दी जाएगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसकी शुल्क है मात्र 3500 रुपये। इसके साथ ही दोस्तों, आचार्य बैच अर्थात असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो भी एमपी यूपी और हरियाणा में वैकेंसीज आई है, उसके लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए कोर्स अवेलेबल है दोस्तों। इस कोर्स में दोस्तों आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ पेपर 1 और पेपर 2 की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। पेपर 1 के नोट्स पीडीएफ के रूप में होंगे। साथ में पेपर 2 के नोट्स दोस्तों A4 बुकलेट में दिए जाएंगे। इसी के साथ टेस्ट सीरीज होंगी, जो टॉपिक वाइज एंड फुल टेस्ट होंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको विद सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसकी फीस है मात्र 6100 रुपये। साथ ही दोस्तों, ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी में इस कोर्स में आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ पेपर 1 और पेपर 2 के नोट्स दिए जाएंगे, अर्थात लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस होगी। पेपर 1 के नोट्स आपको पीडीएफ में दिए जाएंगे और पेपर 2 अर्थात ज्योग्राफी के नोट्स आपको A4 बुकलेट में दिए जाएंगे। होम डिलीवरी भी अवेलेबल है दोस्तों। इसी के साथ आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, जो टॉपिक वाइज एंड फुल टेस्ट होंगे, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको विद सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसकी फीस है मात्र 7100 रुपये। साथ ही दोस्तों, सिद्धि सिद्धि टू अचीव गोल टेस्ट सीरीज भी है दोस्तों, जिसकी फीस है मात्र 299। इस टेस्ट सीरीज में आपको सिलेबस के अनुसार और टॉपिक के अनुसार ट्रीवा टेस्ट दिए जाएंगे। साथ में यूनिट अनुसार टेस्ट लिए जाएंगे और परीक्षा की योजना की जाएंगी, जिनको आपको विद सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, और साथ में सभी टेस्ट के क्लासेस भी होंगी। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम फॉल्ट और फोल्ड से संबंधित क्वेश्चंस की सीरीज। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वलन का एक प्रकार नहीं है? अर्थात फोल्ड। निम्नलिखित में से कौन सा एक वलन का प्रकार नहीं है? परिवलित, कटक, एकनत या समनत, इनमें से कौन सा वलन का एक नहीं है? जल्दी से बताइए दोस्तों। वलन क्या होता है दोस्तों, आइए देखते हैं। मान लीजिए दो खंड हैं, दो खंडों के मध्य संपीड़नात्मक बल के कारण ये जब एक दूसरे के सामने टकराते हैं, तो इनके मध्य में उत्पन्न फोल्ड अर्थात दोनों के मध्य दोनों को टकराने से बीच का भाग या तो ऊपर उठ जाता है या नीचे धस जाता है। इस प्रकार की आकृति
होती है। ऊपर उठ को दोस्तों अपनति कहते हैं, तो नीचे दसे भाग को विनति कहा जाता है, तथा सिंक्लाइन। तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा एक वलन का प्रकार नहीं है? तो इसका आंसर है दोस्तों कटक। कटक दोस्तों एक वलन का प्रकार नहीं होता है, जबकि परिवलित, एकनत और समनत ये वलन के प्रकारों में शामिल किए जाते हैं। कटक दोस्तों पर्वतनुमा आकृति होती है, जैसे मध्य अटलांटिक कटक आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवर्तनिक बलों के कारण निम्नांकित में किसका निर्माण होता है? विवर्तनिक बलों के कारण किसका निर्माण होता है? भ्रंश घाटी, निलंबी घाटी, अध्यारोपित घाटी या पूर्ववर्ती घाटी? किसका निर्माण विवर्तनिक बलों के कारण होता है? बताइए दोस्तों इसका आंसर। विवर्तनिक बलों के कारण दोस्तों भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक वलन के परिणाम स्वरूप होता है, अत्यधिक वलन के परिणाम स्वरूप क्या होता है? विलोम भ्रंश, भूसन्नत, नापे निर्माण या विखंडित ब्लॉक? तो बताइए दोस्तों, जब अत्यधिक वलन होता है तो उसके परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है? तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जब अत्यधिक वलन होता है उसके परिणाम स्वरूप नापे या ग्रीवा खंड होता है। इस प्रकार जैसे कोई दो सामान्य भ्रंश है, जब अत्यधिक इनके मध्य में अत्यधिक वलन अथवा अत्यधिक दबाव संपीड़न बल लगता है, तो एक भुजा दूसरी भुजा के ऊपर अध्यारोपित हो जाती है, तात कभी कभी यह भुजा टूटकर अन्य जगह पर स्थानांतरित हो जाती है। इसी को नापे या ग्रीवा खंड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल दोस्तों कश्मीर में पीर पंजाल एक ग्रीवा खंड का उदाहरण है। इसका सही आंसर है नापे निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका निर्माण विवर्तनिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप हुआ है? अभी देखा दोस्तों हमने विवर्तनिक बलों के कारण रिफ्ट घाटी का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कगार अर्थात खाई प्रवण कब प्रकट होता है? जब भूखंड समस्तरी रूप से खिसक जाता हो, जब भूखंड ऊर्ध्वाधर रूप से खिसक जाता हो, जब भूखंड जलाक्रांति के कारण खिसकता हो, या जब भूखंड मानव के हस्तक्षेप के चलायमान होने से खिसकता हो, से कगार या खाई प्रवण का निर्माण। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर, खगार या खाई प्रवण। देखिए दोस्तों, खगार या खाई प्रवण का निर्माण कैसे होता है? जब किसी भूखंड में ऊर्ध्वाधर रूप से प्रक्रिया या गति होती है तभी खाई का निर्माण होता है। तो इसका आंसर है दोस्तों, जब भूखंड ऊर्ध्वाधर रूप से खिसक जाता है, इस तरह जब भूखंड खिसक जाता है, इसी के परिणाम स्वरूप कगार या खाई प्रवण का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनत सेल स्तर पर क्षैतिज रेखा की दिशा निम्नलिखित में से क्या होती है? आनत सेल स्तर पर क्षैतिज रेखा की दिशा क्या होती है? नति या डिप, नतीलम था स्ट्राइक, अभिनति सिंक्लाइन या अपनति एंटीक्लाइन? क्या होती है जब आनत सेल स्तर पर क्षैतिज रेखा की दिशा होती है? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर, क्षैतिज रेखा। तो देखते हैं दोस्तों, क्षैतिज आनत सेल स्तर पर क्षैतिज रेखा की दिशा को डिप कहते हैं दोस्तों।
यह होती है स्ट्राइक, यह होती है नती या डिप। अर्थात नती के समकोण पर मिलने वाली रेखा को स्ट्राइक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सामान्य भ्रंशों के बीच उत्थित संकरा खंड या ब्लॉक क्या कहलाता है? ग्राबेन, होस्ट, एकनताक्ष तत्व, मोनोक्लाइन या अपनति। दो सामान्य भ्रंश के बीच उत्थित संकरा खंड या ब्लॉक क्या कहलाता है? तो बताइए, देखिए दोस्तों, जैसे ये कोई भ्रंश है, क्वेश्चन कह रहा है कि दो सामान्य भ्रंशों के बीच उत्थित संकरा खंड, अर्थात इन दोनों भ्रंशों के बीच उत्थित था उठा हुआ एक संकरा खंड यथा ब्लॉक क्या कहलाता है? तो दोस्तों, इसको होस्ट कहते हैं। अर्थात जब दो सामान्य भ्रंश एक दूसरे गतिशील होते हैं या फिर एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाते हैं, तो ऊपर उनके मध्य में ऊपर उठा भाग ब्लॉक या होस्ट कहलाता है। अर्थात इससे ब्लॉक पर्वत या होस्ट पर्वत का निर्माण होता है। जैसे कि एग्जाम्पल से दोस्तों, वाइसदेस पर्वत, जर्मनी में ब्लॉक पर्वत, तो इसका सही आंसर है दोस्तों होस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल सागर इनमें से किसका एक उदाहरण है? लाल सागर इसमें से किसका एक उदाहरण है? अभिनति घाटी, ज्वालामुखी संरचना, भ्रंश घाटी या अपरतित घाटी। कौन सा इनमें से लाल सागर का एक उदाहरण है? तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका आंसर। लाल सागर एक भ्रंश घाटी का उदाहरण है, अर्थात रिफ्ट वैली। का एग्जाम्पल लाल सागर को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वलन की दोनों भुजाएं अनिवार्य रूप से समानांतर व क्षैतिज हो तो वह क्या कहलाता है? समनत वलन, शान वलन, उत्क्रम वलन या अति वलन। जब किसी वलन की दोनों भुजाएं समानांतर हो और साथ में क्षैतिज हो तो वह क्या कहलाता है? बताइए। आइए देखते हैं दोस्तों, मान लीजिए कोई वलन है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वलन की दोनों भुजाएं समानांतर हो और क्षैतिज हो, अर्थात एक दूसरे के पैरेलल हो और हॉरिजेंटल हो, तो इस तरह के वलन को क्या कहते हैं? तो इस तरह के वलन को दोस्तों शान वलन कहते हैं। इसे ही दोस्तों परिवलित या परवलित वलन भी कहते हैं। इसी को दोस्तों रिकमेंड फॉल्ट भी कहते हैं। इसका सही आंसर है शान वलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह वलन जिसमें एक छोर तो सतत ढाल की ओर मध्यम ढंग से झुका हुआ हो, जबकि दूसरा ढाल समकोण बनाता हुआ तथा खड़े ढाल वाला होता है, क्या कहलाता है? समनत वलन, शान वलन, अवनयन वलन या एकनत वलन। तो बताइए दोस्तों, एक छोर तो सतत ढाल की ओर मध्यम ढंग से झुका हुआ हो, जबकि दूसरा ढाल खड़ा ढाल हो अर्थात समकोण बनाता हो, क्या कहलाता है? तो कौन सा वलन है ऐसा?
तो बताइए दोस्तों इसका आंसर। तो इसका आंसर है दोस्तों एकनत्वलन। समनत्वलन में दोस्तों दोनों भुजाएं समान होती हैं। शान वलन में दोस्तों अभी हमने देखा दोनों भुजाएं समानांतर और क्षैतिज होती हैं। और एकनत्वलन में दोस्तों एक छोर अर्थात एक भुजा खड़ी होती है जबकि दूसरी मंद ढाल वाली होती है, तो इसे एकनत्वलन कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लॉक फॉरेस्ट पर्वत है फ्रांस में, जर्मनी में, यूक्रेन में या रूस में? ब्लॉक पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो बताइए दोस्तों, ब्लॉक माउंटेन। इसका सही आंसर है दोस्तों जर्मनी में। ब्लॉक फॉरेस्ट माउंटेन या ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैन एंड्रियांस भ्रंश एक उदाहरण है। सैन एंड्रियांस भ्रंश किसका उदाहरण है? उत्क्रम भ्रंश का, सामान्य भ्रंश का, स्ट्राइक स्लिप भ्रंश का या तिरछे स्लिप भ्रंश का? सैन एंड्रियांस भ्रंश किसका उदाहरण है? बताइए दोस्तों इसका आंसर। सैन एंड्रियांस भ्रंश यह कैलिफोर्निया में स्थित है जो एक रूपांतरित भ्रंश का उदाहरण है। इसी को दोस्तों स्ट्राइक स्लिप भ्रंश का एग्जाम्पल भी कहते हैं, अर्थात रूपांतरित भ्रंश को ही स्ट्राइक स्लिप भ्रंश भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तुत चित्र में दिखाया गया भ्रंश किसका उदाहरण है? सामान्य भ्रंश का, उत्क्रम भ्रंश का, दाएं पार्श्व स्ट्राइक स्लिप भ्रंश का या सिनेस्ट्रल भ्रंश का? यह किसका उदाहरण है? तो बताइए दोस्तों, तो देखते हैं दोस्तों यह अपने विपरीत दिशा में गमन कर रहे हैं दोस्तों, अर्थात दोनों भ्रंश अपने विपरीत दिशा में गमन कर रहे हैं, तो इसको दोस्तों व्युत्क्रम भ्रंश या उत्क्रम भ्रंश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य भ्रंश में क्षैतिज विस्थापन का मान क्या कहलाता है? सामान्य भ्रंश में क्षैतिज विस्थापन का मान प्रक्षेप या थ्रो, विदारण था टीयर, पार्श्व विक्षेप था हीव या फिर नतिलम स्ट्राइक। सामान्य भ्रंश में क्षैतिज विस्थापन का क्या कहलाता है? बताइए दोस्तों इसका आंसर। चलिए देखते हैं दोस्तों, सामान्य भ्रंश में क्षैतिज विस्थापन का मान पार्श्व विक्षेप या फिर हीव कहा जाता है। आइए देखते हैं दोस्तों, जैसे कोई सामान्य भ्रंश है, इनके मध्य की इस क्षैतिज दूरी को ही हीव या पार्श्व विक्षेप कहा जाता है। उसका सही आंसर है सी, हीव को ही सामान्य भ्रंश में क्षैतिज विस्थापन का मान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, अर्थात इन पर विचार कीजिए दोस्तों, हॉर्स पर्वत, वाजदेस पर्वत, मेडागास्कर की पूर्वी उच्च भूमि, यह तीनों भ्रंशोत् पर्वत अर्थात ब्लॉक माउंटेन है या नहीं, या फिर इनमें से कौन से ऐसे हैं जो ब्लॉक माउंटेन्स हैं? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर, इनमें से ब्लॉक माउंटेन कौन से हैं? आइए देखते हैं दोस्तों, ब्लॉक माउंटेन क्या होता है दोस्तों? अभी हमने देखा
दो भूखंडों के मध्य की भूमि अगर तथा उत्थित संकरा भाग तथा जब दो भूखंड भ्रंशों के मध्य का भूखंड ऊपर उठ जाता है उसी को ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। या होस्ट पर्वत भी कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल्स में दोस्तों होस्ट पर्वत जो जर्मनी में है, वाइजेस पर्वत भी एक ब्लॉक माउंटेन का ही उदाहरण है, यह यूएसए में स्थित है। साथ में दोस्तों मेडागास्कर की पूर्वी उच्च भूमि अर्थात अफ्रीका के पूर्वी भाग दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित मेडागास्कर की पूर्वी उच्च भूमि भी ब्लॉक माउंटेन का ही एक एग्जाम्पल मानी जाती है। तो 1, 2 एंड 3 यह तीनों ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल्स हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल नेक्स्ट सीरीज में इसी टॉपिक के नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो तब तक की इसी तरह अपनी तैयारी में लगे रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।